एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो डिटेल में पढ़ा। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जानेंगे, कब लॉन्च हुआ, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स हैं। अब देखिए, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगा। लास्ट दो लेक्चर्स का भी मुझे अपडेट करना है, आई विल अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? 1992। कई बार इतने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। जैसे टाइगर हमने पढ़ा 1973 में लॉन्च हुआ था, लेकिन एलिफेंट कब लॉन्च हुआ है? 1992। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर क्या था कि जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है, किसकी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, उन स्टेट्स को सेंटर जो है वो असिस्ट करेगी, ताकि हम देखें कि जितनी भी पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, हम उनको सर्वाइवल में मदद कर सकें, किसी वजह से उनका जो नंबर है वो रिड्यूस ना हो। अब टाइगर के केस में क्या था कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको डर था कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसको यानी हम लोगों को डर था कि ये जो स्पीशीज है, जो टाइगर एनिमल है, वो प्लैनेट अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन एलिफेंट के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थ्रेट ऑफ एट्रिशन है, यानी इसका नंबर जो है एलिफेंट का नंबर वो रिड्यूस होता जा रहा है। द एलिफेंट नंबर्स हैव नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी बात है। देखो, थ्रेट ऑफ एट्रिशन है कि हो सकता है नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है ना ही इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, द एलिफेंट्स हैव नंबर्स हैव नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्रास्टिकली, बट एक इंक्रीजिंग प्रेशर है। प्रेशर किस चीज पे है? एलिफेंट्स के हैबिटेट्स, हैबिटेट्स यानी जहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं उस पे काफी प्रेशर है, वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो अगर हैबिटेट डिग्रेड हो जाएगा किसी एनिमल का, तो वो कहाँ रहेगा? तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 16 जहाँ पे पाए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिला के, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, देन योर केरला, कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, यूपी एंड देन योर वेस्ट बंगाल, जहाँ पे एलिफेंट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई गई है, वहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हर तरह की फाइनेंशियल हेल्प यानी पैसों के मामले में, और दूसरा टेक्निकल हेल्प जो चाहिए स्टेट्स को पॉपुलेशन एलिफेंट्स को बचाने के लिए, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। स्पेशली कि कहीं पे भी मैन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट ना हो, राइट? तो ये असिस्टेंस ना ही सिर्फ फाइनेंशियल टेक्निकल मीन्स में दिया जाता है, बट डेफिनेटली मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी दिया जाता है। और इनफैक्ट इसके अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनमें जो वाइल्ड एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उनको असिस्टेंस मिल रही है, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड आइडेंटिफाइड वाइबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, जो चीज़ मैंने आपको बताई मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रोकने के लिए। फिर किस तरीके से एलिफेंट्स को हम सेव करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड है, मैनेजमेंट है, तो इस तरह का प्लान क्या डेवलप करना है कि किस तरीके से एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बचाया जाएगी, कुछ फर्दर उनको थ्रेट ना हो, वो डेवलप करने में ये इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह से टस्क्स होते हैं, जो हाथी के दांत जिनको बोलते हैं, आइवरी, राइट, ये बहुत ही महंगी बिकती है, तो एलिफेंट्स को हंटर्स पोचर्स से बचाने के लिए, ताकि जो इलीगल आइवरी ट्रेड है वो ना हो, और बाकी भी ऑब्वियसली अननेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ, एलिफेंट्स की किसी और वजह से डेथ हो रही है तो उसको भी रोकने के, वेटनरी सर्विसेज पहुंचाने के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के। तो इसी ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे मिस कर दिया, आप ऐड कर सकते हैं वेटनरी केयर जो है, वेट केयर जो है वो, और ब्रीडिंग जो डोमेस्टिकेटेड, आपके इसमें सिर्फ आपके वाइल्ड एलिफेंट्स ही नहीं है बल्कि डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स भी हैं, उनकी जो ब्रीडिंग है आपके टेम्ड एलिफेंट्स की वो कैसे करवानी है, ये सब भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखा जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है कि ये सब कैसे किया जा रहा है। एक सक्सेसफुल स्कीम भी रही है एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट इकोलॉजिकली रिस्टोरिंग द नेचुरल हैबिटेट्स एंड माइग्रेटरी रूट्स ऑफ द एलिफेंट्स। अब नेचुरल हैबिटेट्स यानी जो फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट्स नेचुरली रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद माइग्रेटरी रूट्स, बहुत बार एलिफेंट्स एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, मूवमेंट इनकी रहती है, माइग्रेट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉरिडोर्स, एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो उनको भी रिस्टोर करना है, बना के रखना है, किसी तरह के कन्फ्लिक्ट को रोकना है, राइट। फिर रिसर्च ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एलिफेंट्स एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को भी अवेयर करना है और इसके लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स भी देने हैं कि क्या चीज़ें एलिफेंट्स के लिए आगे पीछे ना की जाए ताकि उनको तकलीफ ना हो। उसके बाद हेल्थ केयर, ब्रीडिंग ऑफ टेम्ड एलिफेंट, जैसे मैंने बताया, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव में ही आप देख सकते हैं। अब देखिए द स्पीशीज इज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज में, इसका नाम ऑलरेडी है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और उसके बाद साइट्स यानी इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कन्वेंशन में भी बताया था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, इसमें प्रोटेक्टेड स्पीशीज में एलिफेंट आता है। और रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलिफेंट पॉपुलेशन जो है इंडिया में, यहाँ पे इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्टेबल ट्रेंड अक्रॉस एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, कि खास नुकसान नहीं हुआ है, हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल चल रहा है। अब जो पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की 2012 में, उसको एस्टिमेट किया गया 31,368, लेकिन फिर आप आगे देखें 27,312 2017 में, तो आप देख सकते हैं नंबर इसके गिर गए। द एलिफेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 27,682 इन 2007 ऑल्सो। द एवरेज पॉपुलेशन थ्रू आउट द पीरियड वॉज 26,700। तो देख सकते हैं कि 2007 में आप देखें 27,600 के लगभग, लेकिन उसके बाद इंक्रीज हुए और फिर डिक्रीज हुए, तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। तो एवरेज अगर हम देखें तो 26,700 इतना नंबर एलिफेंट्स का बना रहता है। अब देखिए कई बार कुछ नंबर्स डिफरेंट भी आते हैं क्योंकि काउंटिंग या असेसमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंट रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइगर के केस में पग मार्क टेक्निक यूज़ होती है, फिर हम अब तो GIS भी यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होता था, राइट। डिफरेंट चीज़ों को अब कंबाइन करके भी देख रहे हैं, तो इस वजह से भी नंबर्स में डिफरेंस जो है वो आता है। लेकिन 2017 के सेंसस में हमने देखा कि काफ़ी स्टेट्स थी जिन्होंने पहली बार एलिफेंट्स को नोट किया कि उस एरियाज में वाइल्ड एलिफेंट्स हैं। ये स्टेट्स थी आपकी जैसे मणिपुर, मणिपुर ने 2017 यानी 2017 में पहली बार रिपोर्ट किया, मणिपुर है, मिजोरम है, उसके बाद आपका बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, अंडमान एंड निकोबार, ये पहली बार इन्होंने इसकी साइटिंग्स जो एलिफेंट की वो रिपोर्ट की। अब इन्वायरमेंटलिस्ट देखते हैं कि ऐसा क्या है कि क्यों एलिफेंट्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं एक लंबे समय से, तो फिर पता चल रहा है कि जो इनका घर है, हैबिटेट्स जिनको कहा जाता है, देखो एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो साइज में भी बहुत बड़ा है और इसका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हैबिटेट जो है, जो एरिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहे, रहने के लिए चाहिए। इसलिए अगर हम कुछ कंजर्वेशन एफर्ट लगा रहे हैं, कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी बना रहे हैं, तो वो एरिया भी एलिफेंट्स के लिए कम पड़ जाता है, तो इसलिए ये माइग्रेट भी करते रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जब ये माइग्रेट करते हैं तो इनका कन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है, ह्यूमंस के साथ होता है, फिर या तो इनकी जान जा रही है, यहाँ पे कहीं पे कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो ये सब रिपोर्ट होता रहता है। इसलिए लंबे समय से एलिफेंट की पॉपुलेशन एंडेंजर्ड है। और प्लस इनका जो हैबिटेट है वो बहुत तेज़ी से फार्म लैंड्स में, जहाँ पे इनका घर है वो फार्म लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब उनको तो लगता है उनका घर है, लेकिन अब ये फार्म लैंड बन गया, किसी ह्यूमन ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये अपने हैबिटेट में जब वापस आएंगे वहाँ पे आपको एलिफेंट मैन कन्फ्लिक्ट मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। ये देखिए कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कितने कितने एलिफेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं 2017 और 18 का ये डेटा है। देखिए एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल भी घोषित किया गया है, नेशनल हेरिटेज एनिमल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में डिक्लेयर किया था। तो ये
ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि एलिफेंट नेशनल हेरिटेज है हमारे देश का। जो स्टैंडिंग कमेटी थी नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ की, उसने इसको रिकमेंड किया था और इसीलिए किया गया ताकि एलिफेंट्स को हम सफिशिएंट प्रोटेक्शन जो है इनको दे पाएं। और इनफैक्ट जैसे मैंने टाइगर्स में आपको बताया था, NTCA जो उनकी मेन अथॉरिटी थी, टॉप लेवल अथॉरिटी थी जिसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, इसी तरह से रिकमेंड किया गया था कि प्रपोज किया गया था कि एलिफेंट्स के लिए NECA नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो इसी तरह से नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसका संगठन हो और उसके अंदर आपका पूरा ये नोडल एजेंसी रहे प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए। और डेफिनेटली हैज बीन प्रपोज, तो ये प्रपोज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अमेंडिंग। और ये कैसे बन सकती है, जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को थोड़ा अमेंड करेंगे, उसके बाद हम NECA को बना सकते हैं, इसका संगठन कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात थी, एलिफेंट जो है वो एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है। अब देखिए, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट देर आर अराउंड 32 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व्स और एलिफेंट सेंचुरी वॉज सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व ऑफ झारखंड, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जो टर्म हमने यूज किया था कि एलिफेंट कॉरिडोर क्या है, जो आपको ब्रीफली तो मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। एन एलिफेंट कॉरिडोर इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेच नैरो स्ट्रिप्स ऑफ फॉरेस्टेड और अदरवाइज लैंड दैट कनेक्ट्स लार्जर हैबिटेट्स विद एलिफेंट पॉपुलेशन एंड फॉर्म्स अ कन्ड्यूट फॉर एनिमल मूवमेंट बिटवीन द हैबिटेट्स। दिस मूवमेंट हेल्प्स एनहांसर स्पीशीज सर्वाइवल एंड बर्थ रेट। कि एलिफेंट को इस हैबिटेट में आप रखेंगे एक जगह, लेकिन उसको हमेशा कहीं और मूव करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको लार्जर हैबिटेट चाहिए। अब इस हैबिटेट से, इस हैबिटेट आने के बाद सपोज बीच में से कोई रोड चली गई, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया, तो कहीं कुछ कॉरिडोर्स रखे जाते हैं। कुछ कॉरिडोर क्या होगा, रास्ते रखे जाते हैं। मोस्टली कोशिश की जाती है कि फॉरेस्टेड, वहाँ पे पेड़ पौधे रहें, फॉरेस्ट जैसा एरिया हो कि एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जा सके। कई बार फॉरेस्टेड एरियाज नहीं भी होते, ताकि इनको, ये भी कंजर्वेशन की एक स्ट्रैटेजी है, तो इस चीज को हम एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं ना कि इस तरह के एलिफेंट कॉरिडोर्स रहते हैं। अब देखिए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ एलिफेंट हैबिटेट वाज सीवियर इन नॉर्थ नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कि कहाँ पे हैबिटेट इनका बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। कि सपोज इतना बड़ा हैबिटेट है, लेकिन यहाँ पे बीच में कुछ डेवलपमेंट हो गया तो हैबिटेट फ्रैगमेंट हो गया, यहाँ पे कुछ और रोड्स बन गई तो हैबिटेट फ्रैगमेंट हो गया, राइट। द लीस्ट फ्रैगमेंटेशन वॉज नोटेड इन साउथ इंडिया। इन साउथ इंडिया 65% कॉरिडोर्स जो हैं एलिफेंट के, वो देखे गए हैं और वो प्रोटेक्टेड एरिया में है या रिजर्व्ड फॉरेस्ट में है। 90% इन सेंट्रल इंडिया आर जॉइंटली अंडर फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। 90% जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो सेंटर इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की आप बात करें तो फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स में आते हैं, और सिर्फ 10% है जो कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया के अंदर है। नेशनली ओनली 24% ऑफ कॉरिडोर आर अंडर कम्प्लीट फॉरेस्ट कवर। सिर्फ नेशनली बात करें तो ये डेटा है जो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉरिडोर्स हम यूजली ट्राई करते हैं कि फॉरेस्टेड कॉरिडोर्स हों, उनको जंगल जैसा रास्ता दिखे, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम 90% सेंट्रल इंडिया में देखें तो वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स के बीच में कॉरिडोर्स आते हैं, 10% हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में हैं, और नेशनली एवरेज की बात करें तो 24% कॉरिडोर्स हैं जो पूरी तरह से फॉरेस्ट कवर के अंदर आते हैं। तो ये हो गया आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो ये आपका होमवर्क है कि कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, अदरवाइज मैं ये आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी कोई लिंक। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे वैसे मैं बता दूँ, अराउंड 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनमें से जो 20 हैं वो साउथ इंडिया में हैं, 12 जो हैं वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हैं, फिर 20 जो हैं वो सेंट्रल इंडिया में हैं, और 14 जो हैं वो आपके वेस्ट बंगाल में हैं, और 22 आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स पाए जाते हैं। अब काफ़ी सारी थ्रेट्स भी हैं एलिफेंट के कॉरिडोर्स को। पहला है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस लीडिंग टू फ्रैगमेंटेशन। अगर इनका हैबिटेट, जैसे मैंने आपको बोला, किसी तरह से
लॉस किस तरह से होगा कि वहां पे कोई और डेवलपमेंट हो गई तो वो फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, वहां डिस्ट्रक्शन होगी. सपोज हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो हैबिटेट लॉस जो है वो एक खतरा है एलिफेंट कॉरिडोर को, राइट, और इनके हैबिटेट को भी. उसके बाद बहुत सारे एरियाज जहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो वाली स्टेट्स हैं जहाँ पे कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग बहुत ज्यादा होती है. तो वहां पे हमको मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को आता है. और ये कोल माइनिंग जो है आप कह सकते हैं सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है, खतरा है एलिफेंट के हैबिटेट को और इसकी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को. ये कोल माइनिंग वाले एरिया आपकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपकी बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच स्टेट्स हैं. और इनके यहाँ पे इन तीनों स्टेट्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स भी हैं देश के, इसलिए यहाँ पे एलिफेंट मैन कन्फ्लिक्ट्स भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे. अब इसके बाद देखिए पोचिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी जो आइवरी है वो बहुत महंगी बिकती है, जो इसके टस्क होते हैं, तो इसलिए इसके पीछे इसके जान के दुश्मन भी बहुत हैं. और एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, अब एलिफेंट को एरिया भी ग्रेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. रिजर्व्स अगर हम देखें, फॉरेस्ट रिजर्व्स इतने ज़्यादा एलिफेंट्स को एकोमोडेट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो फूड ढूंढने के लिए एलिफेंट्स जो है रिजर्व्स को क्रॉस करके, उनको थोड़ा पता है कि यहीं तक बाउंड्री है, वो उसको क्रॉस करके कहीं और जाएंगे तो भी आपको एलिफेंट मैन कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे. क्योंकि एलिफेंट्स क्या करते हैं, लोगों के खेतों में चले जाते हैं, फिर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट. तो ये सब थ्रेट्स जो हैं पूरे आप देखें कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को, इनके हैबिटेट को, इस पूरी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के लिए ये थ्रेट्स जो हैं वो बने रहते हैं. तो अगर हम इन थ्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हमको सॉल्यूशंस भी थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि कैसे बचा सकते हैं. तो देखिए फ्यूजन ऑफ कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स को फ्यूज किया जाए विद नियर बाय प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर एवर फिजिबल. अब देखिए हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कॉरिडोर्स को प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ फ्यूज कर दें, लेकिन जहाँ पे भी ये पॉसिबल है हमको करना चाहिए. और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है हम ऐसा कर सकते हैं कि उन एरियाज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दें या कंजर्वेशन रिजर्व्स जैसा कुछ घोषित कर दें. दूसरा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग अ कॉरिडोर मॉनिटरिंग फॉर एनिमल मूवमेंट हैव टू बी कैरिड आउट डिपेंडिंग ऑन द नीड, हैबिटेट रिस्टोरेशन वर्क शेल ऑल्सो बी डन. अब अगर हमें कॉरिडोर को सिक्योर करना है तो हमें ये भी देखना है कि एनिमल यूजुअली किस टाइम पे वहाँ पे मूवमेंट होता है, तो उसको देख के भी एक्टिविटीज वहाँ पे हम कर सकते हैं. सिक्योरिंग द कॉरिडोर्स इन्वॉल्व सेंसिटाइजिंग द लोकल कम्युनिटीज. लोकल कम्युनिटीज में भी अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एक्चुअल में चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट कर सके प्रोजेक्ट एलिफेंट को. और जिस तरह से टाइगर में हमने देखा बहुत सारे विलेजेस में वॉलंटरी रीलोकेशन हुआ आपके विलेज कम्युनिटीज का, तो वो चीज़ यहाँ पे जब तक लोगों को सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा तो वॉलंटरी रिलोकेशन के लिए कोई रेडी नहीं होगा, ताकि उनको हम कन्फ्लिक्ट जोन से लोगों को हटा के सेफर एरियाज में ले जा सकें. प्रिवेंटिंग फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फॉरेस्ट हैबिटेट बाय एंक्रोचमेंट फ्रॉम अर्बन एरियाज. अब बहुत जगह अगर अर्बन एरिया ग्रो कर रहा है तो वो एरिया कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली कभी वहाँ पे पहले एग्रीकल्चर लैंड या फॉरेस्ट एरिया होगा, तो उस चीज़ पे भी थोड़ी पाबंदी प्रिवेंटेशन प्रिवेंट करना पड़ेगा, ताकि जो हैबिटेट है इन एनिमल्स के वो और ज़्यादा फ्रेगमेंट ना हो. अब देखिए एक प्रोग्राम था मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम. अगर आप स्टडी आईक्यू पे ऐसे देखेंगे, ऐसे भी अलग से ये टॉपिक आई थिंक डॉक्टर महिपाल जो सर हैं उन्होंने बनाया था, तो ये प्रोग्राम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि माइक का फुल फॉर्म आ सकता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स. अब इस प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पे मैंडेटेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था उसमें माइक प्रोग्राम लाया गया था. इसको शुरू किया गया था साउथ एशिया में 2003 में, और इसका मेन पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एलिफेंट रेंज स्टेट्स टू मेक एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड एनफोर्समेंट डिसीजंस एंड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी विद इन द रेंजिंग स्टेट्स फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ देयर एलिफेंट पॉपुलेशन. अल्टीमेटली एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट उनकी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के ही किस तरह से इंफॉर्मेशन एलिफेंट रेंज स्टेट से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से एनफोर्समेंट डिसीजंस लेने हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी यानी जो जो इंस्टीट्यूशंस प्रोजेक्ट एलिफेंट में लगे हैं उनकी कैपेसिटी कैसे डिसाइड करनी है, स्टेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सब माइक प्रोग्राम के अंदर हुआ. तो आप मुझे बताएंगे कि माइक साइट्स कितनी हैं, जैसे इंडिया में 10 हैं, और कौन कौन से देशों में माइक साइट्स हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं.
इसके बाद देखिए एक और है, हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी ये भी एक कैंपेन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया में लॉन्च किया। इस तरह से गज यात्रा भी थी, यहाँ पे भी एलिफेंट के कंजर्वेशन और वेलफेयर प्रोस्पेक्ट्स पे बात की गई। कैंपेन को कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च एट एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हाथी मेरा साथी को एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग में लॉन्च किया गया था दिल्ली में 24 मई 2011 में। अब E8 कंट्रीज कौन सी हैं जहाँ पे एक्चुअली एलिफेंट मिलता है? जैसे इंडिया होगी, बोत्सवाना, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड। अब ये जो पब्लिक इनिशिएटिव था इसका मेन एम यही था कि लोगों में अवेयरनेस हमने इंक्रीज करनी है, डेवलपिंग फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप बिटवीन पीपल एंड एलिफेंट्स, ताकि लोग एलिफेंट से डर के भागे ना, उनको पता हो कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, राइट। तो हाथी मेरा साथी इस कैंपेन को नाम दिया गया। इसके बाद एक और कैंपेन मास्कट है गज्जू। ये कैंपेन का भी मेन फोकस था ऑन वेरियस टारगेट ऑडियंस ग्रुप इंक्लूडिंग लोकल्स। यहाँ पे भी लोकल्स नियर एलिफेंट हैबिटेट्स, जहाँ पे भी एलिफेंट्स पाए जाते हैं उनके आसपास कौन सी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया था, यूथ को टारगेट किया गया, पॉलिसी मेकर्स को। अब इसका मेन क्या था? गज, हिंदी में एलिफेंट को बोलते हैं, कि गज सेंटर्स जो हैं एलिफेंट के वो सेटअप किए जाएँ पूरे देश में, ताकि एलिफेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका प्लाइट लोगों को पता चले, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन, जब तक कम्युनिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स में, जो भी हम कंजर्वेशन एफर्ट्स करते हैं चाहे वो एलिफेंट को लेके हो, टाइगर को लेके हो, प्लांट्स को लेके हो, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कोई भी प्रोग्राम आपका सफल नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को सेंसिटाइज करना, उनको क्या क्या थ्रेट्स हैं एनिमल्स को उनसे या किन एक्टिविटीज से, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंपेन मास्कट का जो है वो इसलिए लॉन्च की गई। तो जिस तरह से टास्क फोर्स टाइगर के केस में हमने देखी, तो यहाँ पे भी रिकमेंड किया गया कि एलिफेंट टास्क फोर्स का संगठन किया जाए, जो कि मिनिस्ट्री द्वारा, राइट, जो जिस तरह से टाइगर टास्क फोर्स काम करती है, इस तरह से ये टास्क फोर्स भी काम करे। और बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस की ही बात थी और डिग्रेडेशन, जो हैबिटेट डिग्रेडेशन एलिफेंट की, उसको रोकने की बात की गई थी। इसके बाद जैसे एलिफेंट टास्क फोर्स बताया, तो चलिए देख ही लेते हैं। द इंक्रीज टेंशन ड्यू टू रैम्पेंट रिटेलिएटरी किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, क्योंकि सपोज किसी के फील्ड में चले गए तो लोग बिना सोचे एकदम एलिफेंट को मार देते हैं, तो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गया। तो इसलिए इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या सेटअप करने की बात की गई? टू सेटअप द एलिफेंट टास्क फोर्स अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। जिस तरह से टाइगर टास्क फोर्स का काम है वैसे एलिफेंट टास्क फोर्स का हो, तो फोकस एलिफेंट टास्क फोर्स का था, ताकि कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम ले पाएं कि किस तरह से एलिफेंट्स को लॉन्ग टर्म में हमको मैनेज करना है, कंजर्व करना है। अब इसका हेड इसको कौन कर रहा था? ETF को, हेडेड बाय वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर महेश रंगराजन। एंड द अदर मेंबर्स इसमें ETF में कौन थे? कंजर्वेशन एंड एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट थे, एलिफेंट बायोलॉजिस्ट थे और वेटनरी डॉक्टर्स भी, राइट। तो ये सब मिलके एलिफेंट टास्क फोर्स जो है वो बनाएगी। अब ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो ये डेट अगेन फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट है। डे वॉज लॉन्च इन 2012 टू ब्रिंग अटेंशन टू द अर्जेंट प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। इस डे को कब से शुरू किया गया? 2012 से, एशियन अफ्रीकन को, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो एशियन एलिफेंट्स जो हैं, अगेन ये आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, 3 सब स्पीशीज हैं एशियन एलिफेंट की, इंडियन, सुमात्रन, श्रीलंकन। ग्लोबल पॉपुलेशन 20,000 से 40,000। इंडियन सब स्पीशीज वाइडेस्ट रेंज है, देर अराउंड 28,000 एलिफेंट्स इन इंडिया with 25% of them in Karnataka, endangered हैं African elephants भी, आप देखिए कितना population है। तो ये सब factual information है। अब यहाँ पर बहुत important है कि after all अगर हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि elephants को protect करना है, तो क्या importance है elephants की humans के लिए? तो देखिए keystone species हैं ये, जब हम environment की पूरी series पढ़ेंगे, keystone species very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। इनका नोमैडिक बिहेवियर है, एक जगह नहीं रहते, जैसे मैंने बताया माइग्रेट करते रहते हैं, डेली भी माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट रहती है और सीजनल माइग्रेशंस भी होती हैं, अपने एरिया से बाहर जाते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, एलिफेंट्स क्रिएट क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एज दे मूव, जैसे मूव करेंगे तो फॉरेस्ट को क्लियर करते हुए मूव जाएंगे, कहीं पे भी कोई प्लांट स्पीशीज का ओवर ग्रोथ हो रहा है तो ये उसको प्रिवेंट करेंगे वो प्लांट स्पीशीज, क्योंकि हट जाएगी, निकल जाएगी, अपरूट हो जाएगी, एंड अलाउइंग स्पेस फॉर रीजनरेशन, तो बाकी प्लांट्स को भी मौका मिलेगा कि वो रीजनरेट हो पाए, विच प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स. सीड डिस्पर्सल, कहीं जाते हैं तो इनके पाओं के साथ सीड चिपक जाएगा, पॉलिनेशन जैसे हम पढ़ते हैं तो सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन डिफरेंट फेनोमेना है, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई सीड एक जगह है फ्रूट का तो ये इनके पाँव पे चिपक के दूसरी जगह जहाँ ये ट्रैवल करेंगे वहाँ जाएगा, तो वहाँ पे वो उगेगा. तो इससे वेरियस प्लांट स्पीशीज जो है, बायोडाइवर्सिटी आपकी, उसको बेनिफिट होता है. अब एलिफेंट डंग जो है, एक्सक्रीटा जो है, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है प्लांट्स के लिए, एंड एनिमल्स एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड भी होता है. तो आप देख सकते हैं कि एलिफेंट का काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में रोल रहता है, और बायोडाइवर्सिटी सही रहेगी तो ह्यूमंस को भी फायदा होगा. तो आप देख सकते हैं अल्टीमेटली एलिफेंट्स का फायदा किसको है, ह्यूमंस को. तो ये एक कीस्टोन स्पीशीज है. और भी है इसका, वाटर प्रोवाइडर्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स. कहीं पे अगर पानी नहीं है तो ये होल डिग करके पानी निकालते हैं. बाकी वाइल्ड लाइफ को भी इससे फायदा होता है, उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो काफ़ी बड़े रहेंगे. कलेक्ट वाटर व्हेन इट रेन्स, तो वहाँ पे उस एरिया में अगर बारिश होगी तो वहाँ पे पानी स्टोर होगा, जो छोटे क्रिएचर्स हैं उनको फायदा होगा. फूड चेन में भी एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, टाइगर्स की तरह ही टॉप आते हैं, ये एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, और ये कई बार विल समटाइम्स हंट यंग एलिफेंट्स. फर्दर एलिफेंट कारकासेस प्रोवाइड फूड फॉर अदर एनिमल्स, तो डेफिनेटली कोई एनिमल मरता है तो उसकी डेड बॉडी पे बाकी एनिमल्स फीड करते हैं. अम्ब्रेला इफेक्ट, बाय प्रिजर्विंग अ लार्ज एरिया फॉर एलिफेंट्स टू रोम फ्रीली, वन प्रोवाइड अ सूटेबल हैबिटेट फॉर मेनी अदर एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम. तो ये अम्ब्रेला इफेक्ट है कि अगर हम इनके लिए, एलिफेंट्स के लिए कोई जगह प्रिजर्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम बाकी एनिमल और प्लांट्स को भी सूटेबल हैबिटेट दे रहे हैं उस इकोसिस्टम में. तो जितने ही टर्म्स हम यूज करें, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी हैबिटेट, ecosystem, evolution, adaptation, तो इन सारी terms को हम discuss करेंगे. अब जैसे मैंने कहा था E8 ministerial meeting, अब E8 ministerial meeting थी, represented regions with all three species of elephants, ये तीन species हैं important elephant के, ये आपको मालूम होने चाहिए. अब देखिए इसमें क्या था, काफ़ी discussions हुई थी science and कंजर्वेशन को लेके E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, किस तरह से, क्या साइंस है इसके पीछे, कैसे एलिफेंट्स को कंजर्व करना है, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, राइट, कल्चरल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन. तो E8 कंट्रीज ने ये रिजॉल्व किया कि हम इसके कंजर्वेशन को लेकर हर स्टेप उठाएंगे. राइट, देखिए कंजर्वेशन इफर्ट को लेकर अगर आप भूल भी जाए मेन्स में कि क्या लिखना है, तो हमेशा कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो आप एक जेनरिक आंसर भी, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर एनिमल को प्रिजर्व या कंजर्व करने की ऑलमोस्ट जो हमारी टेक्निक होती है वो सेम होती है, लेकिन डेफिनेटली हमको स्पेसिफिक होना है कि क्यों इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. फैक्चुअल डेटा हम मिस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हम मिस नहीं कर सकते, तो डिफरेंस पता लग जाता है जनरल और स्पेसिफिक आंसर में. अब क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर, यस यही मैंने आपको पढ़ाया, टू एड्रेस इशू ऑफ मैन एनिमल कंफ्लिक्ट, यस, वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट. यहाँ पे लोग कई बार गलत कर सकते हैं कि भाई ये तो हम वाइल्ड एलिफेंट्स की बात करें, नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट में मैंने आपको कहा कि जो टेम्ड या डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स हैं उनकी ब्रीडिंग का भी ध्यान रखने का ऑब्जेक्टिव है. तो ऑल 1, 2, 3, D, ठीक है. When was the project elephant launched? So please confuse नहीं होना कि ध्यान से पढ़ना, टाइगर की बात हो रही है, एलिफेंट की, तो इसका आंसर क्या है? ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो चलिए नया ऑप्शन, none of the above. But anyway, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था. जैसे मैंने आपको बताया, फेब्रुअरी 1990
टू में, तो ध्यान रखिए, देखिए 73 है शायद, मैंने इसको लिखते हुए गलत कर दिया, टाइगर का क्वेश्चन है तो, बट आप ध्यान रखिए एलिफेंट या टाइगर। वॉट डज द टर्म माइक स्टैंड फॉर, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, तो आप बताइए क्या आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक साइट इन इंडिया, तो ये भी आप ही बताएंगे। देखिए असम में ये भी है, अब यह देखो नाम से ही है, काजीरंगा का नाम आपने सुना होगा, बताइए यहाँ पे कौन से एनिमल को सबसे ज्यादा फेमस है ये कंजर्व करने के लिए, तो आंसर यही है, बट आप मुझे बताएंगे कौन सा एनिमल है, बाकी जगह आपका माइक साइट है इंडिया की। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। थैंक यू।